आपकी कंपनी के साथ हम लोग कोलैब करने जा रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाय द वे हम लोग और लेट ना करके आप प्लीज फाइल मंगवा लीजिए। जाओ जाना फाइल लेकर आओ ढूंढकर। मैडम मैंने आपसे बोला ना, मैंने अभी सारी फाइल चेक कर ली लेकिन उसमें वो फाइल है ही नहीं। मैम आप एक काम कीजिएगा, इस महीने पूरी सैलरी दे दीजिए, अगले महीने बेशक आप काट लेना। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अस टू बी वर्किंग विद यू गाइस। फाइनली हमारी कंपनी कोलैब कर रही है आपस में और मुझे बहुत ही ज्यादा खुशी मिली कि आप लोग अपना पर्सनल टाइम निकाल करके हमारे साथ मीटिंग करने आए। मैम पर्सनल टाइम तो निकालना ही था, आपकी कंपनी के साथ हम लोग कोलैब करने जा रहे हैं हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। बाय द वे हम लोग और लेट ना करके आप प्लीज फाइल मंगवा लीजिए, हम लोग मीटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। ओह या श्योर। हर्षद वो फाइल दो। मैडम वो फाइल नहीं मिली। क्या मतलब फाइल नहीं मिली? जाओ जाकर फाइल लेकर आओ, मैंने तुम्हें बताया था ना कि मीटिंग होने वाली आज। एक्चुअली मैडम वो फाइल सुमित ने रखी हुई है तो वो मिल नहीं रही है, मैंने अभी ढूंढा है काफी लेकिन नहीं मिल रही है। अगर सुमित नहीं आएगा तो क्या ऑफिस के अदर वर्क्स नहीं होंगे? जाओ जाकर फाइल लेकर आओ ढूंढकर। मैडम मैंने आपसे बोला ना, मैंने अभी सारी फाइल चेक कर ली लेकिन उसमें वो फाइल है ही नहीं। व्हाट नॉनसेंस हर्षद, क्लाइंट्स वेट कर रहे हैं, प्लीज जाओ जाकर फाइल ढूंढ कर लाओ कैसे भी। इट्स ओके मैम, कम डाउन, चिल। एक्चुअली हमारी कहीं और भी मीटिंग है तो हम लोग वहां से हो जाते हैं, फिर हम लोग आते टाइम यहां पे मीटिंग कर लेंगे। जब तक आप अपनी फाइल भी अरेंज कर लेना। मैम ज्योति भी बिल्कुल सही कह रही है, तब तक आप फाइल अरेंज कर लीजिए। इट्स ओके गाइस, ये भी जाकर के फाइल ढूंढ कर लेकर आएगा, तो वेट करो अभी प्लीज आप लोग। अगर उन लोगों ने एंड टाइम पर मना कर दिया हमारे साथ कोलैब करने से। मैडम अब इसमें मेरी क्या गलती है, अब सुमित नहीं आया, सुमित ने वो फाइल रखी हुई है, आखिरकार सुमित ही पूरा काम संभालता है फाइल्स का, तो उसी को तो पता होगा ना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें क्यों छुट्टी कर रहे थे ना? मैडम सिंपल सी बात है, उसकी तबीयत खराब है इसीलिए वो नहीं आया है। तबीयत खराब सब बहाने उसके, काम चोरी करता है वो, काम से भागने के लिए छुट्टी कर रहा है। ऐसा नहीं है मैडम, कल ही उसने मुझे बताया था कि उसको अचानक से फीवर आ गया है, वो भी बहुत ज्यादा, इसीलिए शायद वो नहीं आ पाया है। इतनी तबीयत खराब है उसकी, एक काम करते हैं उसके घर चलते हैं, पता चल जाएगा कितनी तबीयत खराब है। चलो। लेकिन मैडम अचानक से उसके घर जाना? नहीं आज देख ही लेते हैं कितनी तबीयत खराब है उसकी। ओके मैडम। मैम मुझे इस मंथ की सैलरी चाहिए। ओ हाँ तुम्हारी सैलरी मुझे याद आ गया, वेट ये लो तुम्हारी सैलरी। मैम पर इसमें तो 2000 रुपए कम है। तो तुम भूल गए क्या कि इस महीने तुमने 5 दिन की छुट्टियां ली थी? मैम आपको जानती हूँ कि मैं बीमार था, हॉस्पिटल में एडमिट था, इसलिए मैंने छुट्टी करी थी। और आपको पता मैं इतना पुराना आपका एम्प्लॉई हूँ, मैंने कभी बिना वजह छुट्टी नहीं करी है। देखो सुनो अपना ये इमोशनल ड्रामा ना मेरे सामने मत देखो, मुझे अपने काम से मतलब है और ऑफिस में जो काम मैं तुमसे करवाती हूँ अगर वो नहीं होगा तो मैं तो पैसे काटूंगी ही ना। तुमने 5 दिन की छुट्टी ली थी और तुम्हारी गैर हाजिरी में मुझे बाहर से एक पर्सन बुलवाना पड़ा तुम्हारे हिस्से का काम करने के लिए, सो सिंपली मैंने तुम्हारी सैलरी से पैसे कट करके उसे पैसे दिए, दैट्स इट। मैम आप एक काम कीजिएगा, इस महीने पूरी सैलरी दे दीजिए, अगले महीने बेशक आप काट लेना, आप तो जानती है ना पिछले महीने अस्पताल और दवाइयों में कितना खर्चा हो गया मेरा। देखो सुनो मेरे सामने ज्यादा बकवास मत करो और बहस तो बिल्कुल मत करो मेरे साथ, अगर ज्यादा बकवास करोगे ना तो जो पैसे मैंने तुम्हें दिए हैं ये भी वापस ले लूंगी मैं तुमसे। ठीक है मैम। जाओ अपना काम करो। मैडम एक बात कहूँ आपको ना, उसकी सैलरी में से पैसे नहीं काटने चाहिए थे, वो बेचारा गरीब है और उसको पैसों की बड़ी प्रॉब्लम भी है। तुम्हारे कहने का मतलब क्या है आखिर हर्षद, कि मैं गलत हूँ? अरे वो 5 दिन की छुट्टी लेकर गया था तो उसके पीछे मैंने किसी और पर्सन से अगर काम करवाया उसको जो पैसे मैंने दिए हैं तो वो मुझे इसी की सैलरी से तो कट करने पड़ेंगे ना। नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस यही कहना चाहता था कि अब उसकी तबीयत खराब थी, उसमें उस बेचारे की क्या गलती है, लेकिन उतने पैसों की वजह से उसको आगे चल के प्रॉब्लम हो जाती, मेरा बस यही कहना था। अच्छा अगर तुम्हें इतनी ज्यादा सिंपैथी हो रही है सुमित से तो मैं एक काम करती हूँ कि तुम्हारी सैलरी से पैसे कट करके उसे दे देती हूँ, दैट वुड बी वेरी गुड राइट? नहीं नहीं मैम अब इन बातों पर ध्यान मत दो, चुपचाप काम पर फोकस करो। ओके मैम।